12 नवंबर को थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत तारसी चौराहे के समीप जमीन के विवाद को लेकर कुछ लोगों ने दो लोगों को सड़क पर पटक पटक कर पीटा, जिनको उपचार के लिए मथुरा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित लोग नटवर नगर मथुरा के रहने वाले प्रदीप सिंह और सोनू अग्रवाल हैं। इनका मथुरा के जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के भावी सपा प्रत्याशी अनिल अग्रवाल एवं जागेश्वर यादव व समस्त अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे और पीड़ित के उपचार के बारे में जानकारी की, तो वहीं डॉक्टर से भी पीड़ित का हालचाल जाना। इस संबंध में जानकारी देते हुए सपा नेता अनिल अग्रवाल ने बताया कि समाजवादी पार्टी के द्वारा किसी भी पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। देखो, एक तुम्हारे प्रदीप सिंह और सोनू अग्रवाल के साथ अन्याय हुआ और उनके साथ घटना घटित हुई। चार दिन से जिला अस्पताल उन्हें पोजीशन खराब होने के बावजूद भी रेफर नहीं कर रहा था। हमने आके डॉक्टर साहब से मिले और उनकी जो समुचित व्यवस्था थी उनको कराया गया और उन्हें रेफर आगरा के लिए करा दिया गया। इस घटना को लेकर आगे क्या कार्रवाई चल रही है? आगे की उम्मीद ये करते हैं, हम प्रशासन से न्याय मांगेंगे और इनके साथ जो अन्याय हुआ है इनकी FIR दर्ज है 307 में, उसके उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने अन्याय किया है। उनके साथ निश्चित रूप से उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, हम ऐसी मांग करेंगे। लेकिन पहले मरीज को हम अपना थोड़ा सा रेफर करा लें और उसको सही इलाज करा दें, उसके बाद ये काम शुरू करेंगे। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित प्रदीप चौधरी की पत्नी प्रतिमा सिंह ने बताया कि मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, अगर प्रशासन के द्वारा न्याय नहीं मिलता तो वह मुख्यमंत्री आवास पर जाकर प्रदर्शन करेंगे। महिला ने प्रशासन के द्वारा कार्रवाई न करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। ऐसा है, देखिए, मेरा नाम प्रतिमा सिंह है, आप सब जानते ही है, और तारसी चौराहे पे जो एक अभी इतना बड़ा कांड हुआ है उसके बारे में भी आप परिचित हैं क्योंकि आप सब भाइयों ने खबर चलाई है, सभी लोग परिचित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजपाल चौधरी और इसके साथ में जो भी और 5-6 लोग हैं जो कि महानगर में इस समय एक अच्छे पद पर भी तैनात हैं, उनके द्वारा और मथुरी अग्रवाल जी के द्वारा कोई एक ज़मीनी विवाद इनका चल रहा था, जिसके लिए ये विवाद SDM साहब के पास पहुंचा और SDM साहब ने आदेश जारी किए कि आप सब लोग इस ज़मीन पर कोई भी कब्जा नहीं करेगा जब तक कि हम इस मामले की जांच न कर लें। जांच के लिए उन्होंने एक टीम गठित की जो कि 4-5 दिन बाद के बाद आनी थी, यानी अब उसकी पैमाइश होनी थी, उसको नपाई होनी थी कि उसमें किसकी ज़मीन किसके हिस्से में कितनी आ रही है। लेकिन क्योंकि जिनके मन में बेईमानी रहती है वो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, पहले भी उस ज़मीन पर 3-4 बार कब्जा करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रशासन, हमें पूरी उम्मीद थी कि प्रशासन के पास जब मामला पहुँच चुका है तो प्रशासन की कार्रवाई का हमें इंतज़ार था क्योंकि हम एक नंबर वाले इंसान हैं, ईमानदारी से हम चल रहे थे। लेकिन जिनके मन में बेईमानी होती है वो चाहते हैं कि कब्जा कर ले ज़मीन पर, और ऐसा ही किया गया, ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। जब हमारे लोगों के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उन पर लाठी डंडे फरसे से जो भी उनके पास हथियार मौजूद थे उन्होंने 2 निहत्ते इंसानों के ऊपर जानलेवा हमला किया, उन्हें मारने का प्रयास किया। पुलिस को जब फ़ोन किया गया तो पुलिस वहाँ पहुँची, भीड़ को उन्होंने हटाने का प्रयास किया। अगर वहाँ इतनी भीड़ थी तो फोर्स को भी बुलाया जा सकता था, जब पता है कि 2 आदमी मरणासन्न स्थिति में पहुँच चुके हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वहाँ पर खड़ी रही, हमारे 2 आदमियों को उठा के जीप में डाल के लाई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। हम यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में अपने पेशेंट के साथ हैं, जिनको मारा गया उनमें से प्रदीप नाम था, वो मेरे हस्बैंड हैं, उनके साथ ये किया गया। शर्म की बात यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता हम भी रहे हैं और हमने भी भाजपा की शिद्दत के साथ सेवा की है, अपना घर परिवार छोड़कर हमने भी चुनावों में एड़ी चोटी का जोर लगाया है हेमा जी को जिताने के लिए। और शर्म की बात यह भी है कि आज हम लोग अपने ही भाइयों के शिकार हो रहे हैं, उनकी, क्योंकि वो सब एक हो चुके हैं, लेकिन जो हमारे भाई थे जिन्होंने हमारा साथ दिया, समाजवादी पार्टी के जो हमारे भाई साहब हैं अनिल अग्रवाल और उनके साथ बड़े भाई, उनके छोटे भाई सब मौजूद थे यहाँ पर, उन्होंने आकर के हमारे इस केस को हैंडल किया है। शर्म की बात उनके लिए होनी चाहिए जिनके लिए हम खड़े रहे, आज वो हमारे लिए नहीं खड़े हैं, वो बेईमानों के साथ खड़े हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी और भविष्य में अगर नाम लेने की नौबत आई तो मैं उनके भी नाम लूंगी और मैं मुख्यमंत्री तक जाऊंगी। अगर मेरे पति को कुछ हो गया या उनको न्याय नहीं मिला, अगर उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ी, तो ये याद रख लें वो लोग जिन्होंने उनको डंडे से मारा था कि मैं
अगर सत्यवान से सावित्री जाकर के उनके प्राण लेके आ सकती है सत्यवान के लिए, तो मैं मुख्यमंत्री के पास भी जा सकती हूँ। और अधिकारी और पुलिस प्रशासन ये ना समझे कि मैं अकेली महिला हूँ तो मैं कमजोर हूँ। इतिहास उठा के देख सकते हैं कि मैंने जब जब जिसके खिलाफ आवाज उठाई है उसके लिए एड़ी चोटी से लड़ी हूँ। और आज मेरे परिवार पर, मेरे पति पर अगर बात आई है तो मैं सबको देख लूंगी। और आप इस बात को प्रसारित कर दीजिए, इसको धमकी समझ लीजिए, चाहे चेतावनी समझ लीजिए, चाहे रिक्वेस्ट समझ लीजिए, पुलिस प्रशासन जाग जाए और हमारी मदद करे। आपको क्या लगता है कि आप क्रॉस FIR करा देंगे तो आप घसीट लेंगे हमें? पहले हमने कराई है और हमारी सुनवाई नहीं हुई है, दूसरे आदमियों की सुनवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन जब SDM साहब ने आदेश जारी कर दिया उसके बावजूद भी खड़े होकर के वहाँ निर्माण कार्य कराया जा रहा है, ये प्रशासन है आपका? योगी जी एक तरफ तो गुंडा मुक्त कर रहे उत्तर प्रदेश को और दूसरी तरफ ये गुंडा ही चल रही है यहाँ पर। अच्छी तरह समझ लीजिए भाजपा के कार्यकर्ता जो लोग उन लोगों का साथ दे रहे हैं। मैं एक एक के नाम मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगी, चाहे मुझे जाकर के मुख्यमंत्री आवास पर आत्महत्या करनी पड़े, आत्मदाह करना पड़े, लेकिन मैं अकेली इस लड़ाई को जीतूंगी।